हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे दाल की चटनी। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल की चटनी। दाल की चटनी बनाने के लिए ये मैंने ली है सारी दालें। ये है धुली उड़द की दाल 2 चम्मच, ये है धुली मूंग की दाल 2 चम्मच, ये है हमारी अरहर की दाल 2 चम्मच, ये है चना दाल 2 चम्मच, और ये मूंगफली है लगभग 2 बड़े चम्मच या सर्विंग स्पून जिसे हम कहते हैं वो। चटनी पीसने के लिए दही, ये 3 एक टमाटर हैं रफली चॉप्ड, ये 3 एक प्याज हैं रफली चॉप्ड, और ये हमें चाहिए ड्राइड रेड चिलीज जो होती हैं, ये 4-5 कलियां लहसुन की चाहिए। तड़का लगाने के लिए सरसों, कड़ी पत्ता, नमक और मिर्च। आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। हमने एक ऐसे पैन लिया है, इसमें हमने कोई घी, कोई रिफाइंड, कोई तेल कुछ नहीं डाला है, और इसमें अब हम अपनी सारी दालें डाल के अपनी दालों को 3-4 मिनट तक या उनका कलर हल्का सा चेंज होने तक उनको ड्राई रोस्ट करेंगे। सारी दालें हम इसमें डाल देंगे और फिर ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है, पर सब चीज़ें हम अलग अलग ड्राई रोस्ट करेंगे। दाल के साथ हम मूंगफली नहीं डालेंगे क्योंकि मूंगफली भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है और दालें अपना कलर बहुत जल्दी चेंज कर लेती हैं। और ड्राई रोस्ट हम करेंगे मीडियम फ्लेम पे, हाई पे नहीं करेंगे, नहीं तो अंदर से कलर सॉरी बाहर से कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा और अंदर से हमारी दालें कच्ची रह जाएंगी, तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए हमारी दालों ने हल्का सा कलर चेंज कर दिया है और इनमें से एक बहुत अच्छी सी स्मेल भी आ रही है। इसी स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे और इन दालों को एक अलग प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे, और फिर इसी पैन में गैस फिर से ऑन करके हम अपनी मूंगफलियां डालेंगे। मूंगफलियों के साथ भी हम कोई ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे, और जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगी उसके बाद हम इनके छिलके हटा लेंगे मूंगफलियों के। इनको किसी भी कपड़े के बीच में रब करके इनका छिलका अलग कर लेंगे। तो मूंगफली को भी आप मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करें जिससे वो अंदर तक अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। हमारी मूंगफलियां भी ड्राई रोस्ट हो गई हैं, अब इन्हें हम ठंडा होने देंगे तब इनके छिलके हम हटाएंगे। इधर उसी पैन में मैंने लगभग 1.5 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है। अब ये रिफाइंड ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये जो हमारी रफली चॉप्ड अनियंस हैं, ये रफली चॉप्ड अनियंस डाल दूंगी और इनको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही सौदे करूंगी मैं। जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर सॉरी लहसुन डालेंगे। ये देखिए हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें ये जो हमने लहसुन की कलियां ली थी वो डाल देंगे और इनको फिर से हम 10-20 सेकेंड के लिए ऐसे ही गरम तेल में पकने देंगे। और उसके बाद ये जो हमारे रफली चॉप्ड टोमेटोज हैं वो भी हम इसमें मिला देंगे और इसको अब हम ढक के, हमें कोई मसाला नहीं डालना है, ढक के मीडियम फ्लेम पे 10-1 मिनट तक या जब तक हमारे टोमेटोज और अनियन सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक पकने देंगे। देखिए हमारे प्याज टमाटर लहसुन पिछले 10 मिनट से पक रहे हैं मीडियम गैस पे और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ये जो हमने रेड चिली पाउडर लिया था ये डाल देंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये नमक डाल देंगे और इसको फिर हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे जिससे हमारी मिर्च और नमक अच्छे से प्याज टमाटर में मिल जाए। और फिर जब ये वाला मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो हम दाल और मूंगफली जिनके ऊपर से हम छिलका हटा लेंगे वो सब एक साथ मिला के पीसेंगे। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है ये प्याज टमाटर लहसुन वाला ये ठंडा हो गया है। हम इसको अपने ग्राइंडिंग जार में ऐसे डाल देंगे, जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तभी डालें। और ये जो हमारी रोस्टेड दालें हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये मूंगफलियां हैं जिनका मैंने छिलका हटा लिया है, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा दही। दही अब हम अभी हम थोड़ा ही डालेंगे, फिर जैसे जैसे हम अपना ये मिक्सचर पीसेंगे
तो जैसे हम चटनी में पानी डालते हैं, पानी की जगह हम इस चटनी में दही डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने चटनी पीस ली है, थोड़ा सा दही जितना मैंने पहले डाला था उसके बाद भी मुझे दही डालना पड़ा है, तो आप भी इसी टेक्सचर की बिल्कुल स्मूथ कर लें अपनी चटनी। ये देखिए ऐसा टेक्सचर है और ये कंसिस्टेंसी है, क्योंकि इसमें मूंगफलियां हैं और दालें हैं, तो जितनी देर ये चटनी रहेगी थोड़ी गाढ़ी होगी, तो ऐसी कंसिस्टेंसी आप रखें अपनी चटनी की और बिल्कुल स्मूथ कर लें इसको, जिससे इसमें दालों के बीच में दाल का बाइट ना आए। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में ये रिफाइंड गरम करा है। जब ये रिफाइंड अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें पहले राई या सरसों, कुछ भी आपके पास है वो डाल देंगे। जब वो अच्छे से, देखिए क्रैकल होना शुरू हो गई है, ये क्रैकल होने लगेगी तो हम इसमें, ये मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, ये कड़ी पत्ते डाल देंगे और इसको 20-30 सेकंड के लिए हम इसी में तड़का पैन में कड़ी पत्ते और राई को क्रैकल होने देंगे। ये देखिए ये हो गया अच्छे से। अब हम अपनी चटनी के ऊपर ये अपना तड़का डाल देंगे। ये लीजिए हमारी टेस्टी दाल की चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे चाहें तो साउथ इंडियन खाने के साथ, नहीं तो पराठा वगैरह के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। हमारी दाल की टेस्टी चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। वैसे तो ये चटनी बेसिकली साउथ इंडियन खाने के साथ खाई जाती है, जैसे इडली डोसा या उत्पम वगैरह के साथ, पर अगर आप इसे पराठों के साथ भी खाते हैं तब भी ये बहुत टेस्टी लगती है। आप भी ये दाल की चटनी अपने घर में ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।